हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि बिना पेन और कॉपी उठाए मात्र इसका एक सेकेंड में आंसर देने वाले हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि ट्रिक के साथ साथ, किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक के साथ साथ हम लोग आज कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे क्वेश्चन आपका है कि इफ अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपान के 144 इज इक्वल टू 13 अपान के 12, देन एक्स इक्वल टू व्हाट। दे रखा है कि यदि क्या है कि कर्ड़ी में 1 प्लस एक्स अपान के 144 एक्स 44 बराबर 13 बटा के 12, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको स्टेप्स लगाना है, तो सबसे पहले क्या करिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जो आपका जो कर्ड़ी है वो आपका हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपान के 144। अब इधर के क्या होगा, 13 का वर्ग कितना होगा 169, और 12 का वर्ग कितना होगा 144 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप एलसीएम ले सकते हैं, कितना आ जाएगा 144 प्लस एक्स अपान के 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें इन दोनों का आपस में, इज इक्वल टू 169 अपान 144। ठीक, तो 144 से 144 कैंसिल, क्या बचा 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169, तो एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 144, 144 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस अगर करते हैं तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा आपका 2, तो एक्स इज इक्वल टू 25 आपका आंसर है। लेकिन इस स्टेप का हम लोग अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे स्टेप का हम लोग यूज करने वाले नहीं है। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ देखिए 13 है और यहाँ क्या है 12 है, और 13 में से 12 घटाइए, 13 में से 12 घटाइए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाइए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ देखिए 12 है और 12 के स्क्वायर कितना दे रखा है 144। अगर ऐसा है तो यहां देखिए 13 में से 12 घटाइए, डिफरेंस कितना है 1 है, ऊपर में से नीचे घटाइए कितना है 1 है, और 12 का स्क्वायर 144 दे रखा है, और यहां 1 प्लस एक्स अपान 144 है जो कि 12 का स्क्वायर है, तो आपका जो एक्स का मान होगा, बस आप क्या करिए कि जो 13 बटा के जो 12 लिखा है इस 13 12 को बस क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 13 प्लस कितना 12 कितना हो जाएगा 25, तो 25 ही क्या होगा आपका एक्स का मान होगा, 25 ही क्या होगा एक्स का मान होगा। और आपको ऐसे स्टेप्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। जैसे आपको दे रखा है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान के 25 बराबर कितना 6 बटा 5, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, करना क्या है, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स अपान 25 बराबर 6 बटा 5, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर यहां क्या हो कि 6 और 5 का अंतर कितना 1 हो, 6 में से 5 घटाइए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यहां 5 के स्क्वायर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करिए जो एक्स की जो वैल्यू होगी सीधे 6 और 5 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6 5 कितना 11, तो जो एक्स की वैल्यू होगी आपकी क्या होगी 11 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए आपका टाइप नंबर 2 है, यहां क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान के 169 बराबर कितना 12 बटा 13 है, यहां देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है। अब देखिए ऊपर में से अंश में से हर घटाइए, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाइए, तो 12 माइनस 13 यहां कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। पीछे क्या रहा था कि जब हम ऊपर में से नीचे को घटा रहे थे तो प्लस 1 आ रहा था, लेकिन यहां क्या है कि जब हम ऊपर में से नीचे को घटा रहे हैं तो माइनस 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, और यहां देखिए 13 का स्क्वायर कितना दे रखा है 169 दे रखा है, तो इस कंडीशन में जो एक्स की वैल्यू होगी अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 12 प्लस क्या 13 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 1 2 25 हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये माइनस 1 आए तो आप क्या करेंगे कि इसमें माइनस लगा देंगे, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वह क्या होगी माइनस 25 होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, क्या करेगा कि ऊपर में से नीचे घटाइएगा तो कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, और यहां 13 का स्क्वायर
169 है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करके क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ आपको एक्स की क्या होगी वैल्यू। और आप इसको स्टेप से सॉल्व करना चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग करिए, जैसा कि हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 आप क्या कर सकते हैं कि 1 को ट्रांसफर उधर कर दीजिए, 1 अपान इतना हो जाएगा इक्वल टू 144/169-1, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, x अपान 169 इज इक्वल टू 144-169/169 से 169 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा -25। तो आप चाहे तो दोनों पक्षों को वर्ग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन में दोनों पक्षों को वर्ग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि देखिए ऊपर में से नीचे को घटाइए, -1 आ रहा है और यहाँ 13 का स्क्वायर 169 यहाँ दे रखा है, तो दोनों को जोड़ करके आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, वहीं आपका क्या होगा आंसर होगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी इसमें -25 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखिए 5 के स्क्वायर 25 है, लेकिन यहाँ देखिए 7 में से 5 घटाइए, अब की बार 1 नहीं आ रहा है, 7 में से 5 घटाइए, अब की बार 1 नहीं आ रहा है। जब 1 ना आए, जब 1 से अधिक आने लगे, 2 या 3 या 4 आने लगे, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसकी जो ट्रिक होती है, इस कंडीशन में जो एक्स की वैल्यू होगी क्या करिए कि 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, अब 5 का स्क्वायर 25, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा, 24 ही होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना देखिए, अगर ऐसे दे देता कि 1+x/49 आपका दे देता 5/7, अब ऊपर में से नीचे घटाइए, तो 5 में से 7 घटाइए कितना आने लगा, -2 आने लगा, ठीक है। जब निगेटिव आए तो क्या करिए, कुछ नहीं, और अंतर एक का है नहीं, जब एक से अधिक जाने लगे तो क्या करेंगे कि इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी ऊपर वाले के स्क्वायर में से नीचे वाले के स्क्वायर क्या करिए, घटा दीजिए, वहीं आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 7 का स्क्वायर कितना 49, बस इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, -24, तो -24 आपका क्या होगा आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ये निगेटिव जाने लगे तो आप क्या 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 24, और जब निगेटिव जाए तो आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव भी लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे कि जब अंतर एक से अधिक हो तो ऊपर का स्क्वायर करके और नीचे का स्क्वायर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -24 आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ क्या है कि पिछले क्वेश्चन में क्या मिलता था कि यहाँ जगह 5 होता था तो 5 के स्क्वायर 25 मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या 50 है, स्क्वायर है भी नहीं, ठीक है। और तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि या तो हम बाई ऑप्शन कर लें, अगर आपका कंपटीशन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन सेटिस्फाई करा के आप लगा सकते हैं कि LHS RHS सेटिस्फाई करा दीजिए, जिस x के वैल्यू पर आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वहीं आपका x का मान होगा। अदरवाइज क्या करिए कि दोनों पक्षों को वर्ग करके सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है, या तो ऑप्शन सेटिस्फाई कराइए या तो सॉल्व कर दीजिए। तो दोनों पक्षों को वर्ग करिए कितना हो जाएगा, 1+x/50 = 7 का स्क्वायर 49 और 5 के कितना 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से कम 50 प्लस कितना x/50 = 49/25, 25 × 50 कैंसिल करिए, तो 50+x = 18, 2×4=8, 9, तो x = 98 - 50, x बराबर माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 9 में से 5 जाएगा 4, तो x = 48 क्या होगा आंसर होगा। जब देखिएगा कि जब कोई कुछ न काम करे, यहाँ 5 के स्क्वायर 25 नहीं है, अगर 5 के स्क्वायर 25 होता तो 5 के स्क्वायर 25 होता तो उसके लिए मैं आपको पीछे ट्रिक बता चुका हूँ, लेकिन जब ऐसा कुछ न हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क में 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं कि इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखने हैं, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।